हेलो दोस्तों, मैं हूं वरुण और टिकटॉक में आपका स्वागत है। ओप्पो की नई सीरीज रेनो आने वाली है और अपने साथ दो स्मार्टफोन लाएगी। पहला स्मार्टफोन आएगा स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर के साथ, जो कि होगा ओप्पो रेनो लाइट, और दूसरा स्मार्टफोन जो होगा वो प्रीमियम होगा और आएगा स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर के साथ। और अब खबर आ रही है कि ओप्पो एक और नया स्मार्टफोन लाने वाला है और इस नए स्मार्टफोन में जो स्क्रीन होगी वो पॉपअप करेगी। वीवो नेक्स पहला स्मार्टफोन था जो लाया था पॉपअप फ्रंट कैमरा। अब ओप्पो काम कर रहा है पॉपअप होने वाली नई स्क्रीन पर। यह सेकेंडरी स्क्रीन होगी स्मार्टफोन की जो पॉपअप करेगी, लेकिन ये बिल्कुल ही नया कंसेप्ट है। अभी इस नए स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस नहीं आई है, लेकिन आप अपने स्क्रीन पर इसके फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। ये हूबहू ऐसा ही स्मार्टफोन होगा जैसा फोटोग्राफ में दिख रहा है। स्पेसिफिकेशन आनी बाकी है, लेकिन ये कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये नया स्मार्टफोन आएगा और ये कंसेप्ट जो है ओप्पो का ये बाज़ार में उतारेगा। ओप्पो ये डुअल स्क्रीन वाला स्मार्टफोन होगा, स्क्रीन जो होगी वो पॉपअप करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो स्क्रीन पॉपअप करेगी उसकी यूसेज ओप्पो कैसे कर पाता है, और सक्सेस भी इसी पर डिपेंड करेगी इस स्मार्टफोन की। तो दोस्तों, इंतज़ार कीजिए इस नए स्मार्टफोन का, जो कि बिल्कुल नया कंसेप्ट है स्मार्टफोन की दुनिया में, और ओप्पो इसको इम्प्लीमेंट करने में लगा हुआ है। कुछ ही दिनों में ये स्मार्टफोन आपके हाथों में होगा, क्योंकि ये आने की इन्फॉर्मेशन कन्फर्म्ड है। कब आएगा और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी ये हम आपको कुछ ही दिनों में बताएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए सबसे पहले लाते रहेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।